टीवी पाकिस्तान। खबर शामिल करते हैं गढ़ महाराजा से। जंग डिवीजन बनाओ तहरीक राय अंसर सदीकी और मोहम्मद उमर फारूक की जेर निगरानी गढ़ मोड़ जंग डिवीजन बनाओ सेमिनार मुनाकिद किया गया, जिसमें मौलाना मोहम्मद आसिम माविया सियाल, चौधरी रिजवान कदीर चीमा, मियाँ इम्तियाज अहमद रहमानी, सदर अंजमन ताजरान, चौधरी आमिर अब्दुल्ला ने खसूसी खिताब किया। सियासी समाजी शख्सियात समेत सहाफियों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं से मौजूद हूँ अहमदपुर सियाल गढ़ मोड़, जहाँ पर जंग डिवीजन बनाओ सेमिनार मुनक्कद किया गया, जहाँ पर सियासी समाजी शख्सियत समेत सहाफियों ने भी शिरकत की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अवामी खिदमत पार्टी के चेयरमैन मौलाना आसिम माविया साहब। सर, यहाँ पर जो आज सेमिनार मुनक्कद किया गया, इस सवाल से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत खुश आइंद कदम है और ये बहुत अच्छी आवाज़ है जंग की तरक्की के लिए, जंग के मुस्तकबिल के लिए, जंग के नौजवान और जंग की आवाम की तरक्की के लिए। ये बहुत मजबूत और बड़ी मुअस्सर आवाज़ है। पूरे जंग को इन नौजवानों के साथ खड़ा होना चाहिए और अपने अपने जितने ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करके अपने मकामी नुमाइंदों को फोर्स करना चाहिए और मजबूर करके उनसे जो है ये अपना हक वसूल करना चाहिए कि ये सुनहरी मौका है। इस वक्त जंग की आवाम जो है वो अपने नुमाइंदों से ये मुतालबा करे कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। जिस जंग ने उनको इज्जत दी है तो इनको भी चाहिए कि उस जंग की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना फ़र्ज अदा करें। बिल्कुल, गढ़ मोड़ पर यहाँ पर सेमिनार मुनक्कद किया गया। यहाँ पर तमाम लोगों का यही कहना है कि जंग बनाने के लिए हम खड़े हैं एक दूसरे के साथ, इंशाल्लाह जंग डिवीजन बन के रहेगा।